The present government is not in a position to measure the correct quantum of black money, because those who have the black money will actually convert it into new currency notes. Now, the sufferers are the aam aurats and the aadmis, those who are illiterate, who have no access to the banking facilities, and they will be the ones who will be affected by such diversionary measures. People who have small savings, no bank accounts, their life savings will be targeted. The present scheme does nothing to remove black money from circulation. All the black money holders will legally convert their tender with no difficulty because they have the resources to hire people to sort the cash. The measure is strongly anti-poor. In India, 65% of the population do not have bank accounts, and they store their money in cash at homes. These people are largely illiterate, poor, older, and live in remote areas. They are the ones who are likely to fall victims to the middlemen and who are going to further scare them that the notes are worthless piece of paper and charge hefty fees to convert them. And they could be shopkeepers who will actually after 1st of April be telling them that their notes are either unacceptable or acceptable at a large depreciation. Deliberately, no real effort has been made by the present government to retrieve the black money which is stashed outside the country. In fact, the practices which result in laundering are the ones which are not the target of the present scheme, and I call it a deliberate obfuscation. Mitro, jo aaj ka vishay hai, wo jo aarthik vyavastha is desh mein pichle 10 saalon se jis gair zimmedari ke saath nibhai ja rahi hai, usi ke tahat ek nayi policy lai gayi hai jisme 2005 से पहले के नोटों को, करेंसी नोटों को विड्रॉ करने का विषय आज की सरकार लेकर आई है. कहीं ना कहीं ये विषय जो बहुत बड़ा मुद्दा है काले धन का, उसको भ्रमित करने के लिए लाया गया है, क्योंकि इससे जो 65% इस देश की जनता है जिसके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है और जो अपने पैसे को छोटे छोटे सेविंग के रूप में अपनी जीवन की कमाई घरों में रखते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं और दूर दराज में जहां पर बैंक तक नहीं है, उनका जो जीवन की कमाई है वो अफेक्ट होगी, ना कि काला धन. क्योंकि जिनके पास काला धन है और शहरों में है या जिनके पास व्यवस्था है, वो उन नोटों को बदलकर नए नोट जमा कर लेंगे. लेकिन जो गरीब आदमी है, जो असलियत में एक आम औरत और आम आदमी, जो कि अपने पति से कुछ पैसा बचाकर शायद आटे के डब्बे में पैसा रखती है या दाल चावल में पैसा छुपा कर रखती है, ये उनकी जीवन की कमाई वो इस अव्यवस्था से प्रभावित होगी. और उस व्यवस्था के तहत जहां पर तीन तीन कमिटियां बनाई गई सन 2011 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक SIT हम बनाना चाहते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काला धन जो कि विदेशों में जमा है उसको वापस लाने का इंतजाम ये सरकार करे, तो उसके खिलाफ ये सरकार ने दस्तावेज कोर्ट में पेश किए और कहा कि हम खुद इस पर काम कर रहे हैं और तीन कमेटियों का हमने गठन किया है. अब वो तीन कमेटियों की जो अवधि थी वो 18 महीने थी, जो कि कब की समाप्त हो गई. लेकिन आज तक उन कमेटियों ने कोई रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई है, इसका ज्ञान हमें नहीं है और किसी ने इसको बताने की या उस पर कुछ काम करने की कोशिश भी नहीं की. और ऐसे मामलों में तीन तीन कमेटियों का गठन अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है, ताकि परिभाषा क्या हो, पैसा जो गैर जिम्मेदार तरीके से विदेशों में जमा है उसको लाने की प्रक्रिया क्या हो, और कितना पैसा जमा है विदेशों में उस पर भी एक
मन ना बन पाए, इसलिए आप तीन कमेटियों का गठन करते हैं, क्योंकि अगर आप एक कमेटी गठित करते हैं तो एकदम सर्टेन होता है कि यही होगा। और उसका जो सीधे तौर पर इशारा है वो ये है कि तीन कमेटियां आपस में ही भिड़ती रहेंगी, परिभाषा से लेकर कितना पैसा है और क्या प्रक्रिया हो उसको वापस लाने की, उस पर कोई नतीजा उपलब्ध ना हो सके। और जिस इन्होंने बात की थी रेड आइड की, तो उसके संदर्भ में मैंने कहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इस देश की वो खाली ब्लू ब्लडेड अमीर लोग जिनके विदेशों में अकाउंट है, जो कि स्विस बैंक के अंदर अपने खाते रखते हैं, या तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर वो अपने पैसे को या तो डॉलर के रूप में जोड़ते हैं या फ्रेंच फ्रैंक के रूप में जोड़ते हैं या डॉयच मार्क के रूप में जोड़ते हैं, वही लोग हैं जिनका जीवन इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो गरीब अपनी एक एक पैसे को हिंदुस्तानी रुपए के रूप में जोड़ता है और उसके जीवन की जो कमाई है वो 65% भारतीयों का जीवन इससे प्रभावित होगा। और ऐसे में ये जो पॉलिसी है ये काले धन से जूझने की नहीं, बल्कि काला धन कैसे ना लाया जाए उसको भ्रमित करने के लिए, अव्यवस्था पैदा करने के लिए बनाई गई है।